हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज जो है नवरात्रि का सातवां दिन है और नवरात्रि के सातवें दिन हम लोग माँ कालरात्रि जी की पूजा आराधना करते हैं। प्राचीन समय में तीन राक्षस हुआ करते थे जिनके नाम थे शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज, जिन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे वरदान ले रखा था। शुंभ निशुंभ के पास वरदान था कि उनकी जो मृत्यु होगी वो सिर्फ एक नारी के हाथों ही होगी, और जो रक्त बीज था उसके पास वरदान था कि उसका रक्त जहाँ भी गिरेगा वहाँ से और रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। तो इस वरदान पाने के बाद तीनों राक्षसों में बहुत ही अहंकार आ गया था। उन्होंने देवता लोग स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया और इंद्र को हराकर वहाँ पे जो स्वर्ग लोग था उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद उन्होंने तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया। जो भगवान इंद्र जी थे वो परेशान होकर इधर उधर घूमने लगे और ब्रह्मा जी के पास गए कि इसका कोई सोल्यूशन बताओ, क्योंकि ये राक्षस जो है बहुत ही शक्तिशाली है, इन्हें हरा नहीं पा रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, आपकी समस्या का समाधान सिर्फ माँ गौरी ही कर सकते हैं। उसके बाद इंद्र देवता जो सारे देवतागण माँ गौरी जी के पास गए, उनसे आग्रह किया कि आप हमें इस समस्या से निजात दिलवाइए और शुंभ निशुंभ का संहार कीजिए। उसके बाद माँ गौरी जी ने माँ दुर्गा जी का अवतार लिया और वो रणभूमि में चले गए, जहाँ पे माँ गौरी माँ दुर्गा के बीच में और राक्षसों के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। सबसे पहले शुंभ निशुंभ ने अपने जो सेनापति थे चंडमुंड, उनको भेजा सबसे पहले, जो कि छल कपट में बहुत ही निपुण थे। उसके बाद माँ गौरी ने चंडमुंड का संहार किया और उसके बाद माँ दुर्गा जी ने शुंभ निशुंभ का भी संहार कर दिया। लेकिन जब रक्त बीज की बारी आई, जब भी माँ गौरी रक्त बीज को मारते थे तो उसका रक्त जब भी जमीन के ऊपर गिरता था सैकड़ों रक्त बीज और पैदा हो जाते थे, जिसके बाद माँ दुर्गा जी को बहुत ही गुस्सा आया। उनके गुस्से के तेज से एक माता पैदा हुई जिन्हें कि कालरात्रि का नाम दिया गया। कालरात्रि माता जी बहुत ही विशाल रूप धारण किया, जिससे कि सारे राक्षस थे वो डर गए, क्योंकि उनकी आंखें बिल्कुल लाल थी। और माँ कालरात्रि जी जब भी उसको रक्त बीज को मारते थे तो उसका गला काट के वो एक कटोरे में उसका खून जो था उसको इकट्ठा कर लेते थे, जमीन पे गिरने नहीं देते थे और सारे खून को पी जाते थे, जिसके बाद उन्होंने एक एक करके सारे रक्त बीजों को ख़त्म कर दिया और सबका खून जो है पी लिया और एक भी बूंद उन्होंने जमीन पर नहीं गिरने दी, जिसके बाद उन्होंने रक्त बीज का भी संहार कर दिया। माँ कालरात्रि जी की चार भुजाएं हैं, जिनके एक भुजा में गंडासा है, एक भुजा में वज्र है, उनकी एक भुजा जो है वो अभय मुद्रा में है, उनकी एक भुजा जो है वर देने की मुद्रा में है। गाइस, माँ कालरात्रि जी की जो सवारी है वो गदक है। तो गाइस, फैमिली के सभी मेंबर्स आ चुके हैं, आज हम माँ कालरात्रि जी की आरती करेंगे। गाइस, माँ कालरात्रि जी की आरती करने से जो भी डर है इंसान के मन में, जितने भी राक्षस है भूत प्रेत सारे भाग जाते हैं, इंसान के मन में पॉजिटिविटी महसूस होती है, मतलब उसके जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी रहती है अगर वो माँ कालरात्रि जी की नवरात्रि के सातवें दिन आरती करते हैं। अरु, आरती करनी है, आरती करनी है आज। आज मूड कैसा आपका, ठीक है? गैस देखिए, आरोही तैयार है बिल्कुल आरती करने के लिए। आरोही अपना वो घंटी तो उठा लो, कहाँ है आपकी घंटी, कहाँ पे घंटी आपकी? गैस देखिए, जो कितने अच्छे तरीके से उपजे हैं यहाँ पे, हाइट देखिए इनकी कितनी अच्छी है, ग्रोथ काफी अच्छी है। जगदम्बे काली जय दुर्गे कपरवाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, सब काले तेरी आरती, तेरे भक्तों में ता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी, दान दल मांगे माँ तेरे मन में एक जय करा शिरमणिया, ओ सचे दरबार की जय। जयकारा माँ कालरात्रि जी का, ओ सचे दरबार की जय। तो गाइस, आज के इस माँ कालरात्रि जी के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को माँ कालरात्रि जी की आरती और पूजा अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट में जय माँ कालरात्रि जी जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय। चलो, आरती करनी है।